के घर चली गई थी। तेरी मामी आज बड़े गुस्सा होकर तुझे ढूंढ रही थी। क्यों का उसका कहीं कुछ पता चलता है? जब देखो तब आग बबूला हुई बैठी रहती है। पता नहीं तू किस तरह से दिन गुजारती है। मैं तो कहती हूँ भगवान करे तेरे ग्रह किसी से मिल जाए तो छुटकारा मिले तुझे इस नरक से। गई शांति बिटिया, पगली तू इतनी देर कहाँ थी? देख तो अपनी मामी का हाथ चिंता के मारे रंग पीला पड़ गया है। देख अगर मैं दम तोड़ गई तो फिर तू ही रोएगी। अच्छा अच्छा तू गुस्से ना हो, मैं चल। यही है मेरी सानू बिटिया, गौ की तरह भोली भाली। बिचारी को माँ बाप का प्यार नहीं मिला। माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं जो हूँ कहाँ गई थी हा? जानती है तेरा बाप यहाँ को नौकर छोड़कर नहीं गया जो तुझे गली गली ढूंढने भेजती? अब तो जबान हलक के नीचे उतर गई है। बोल क्यों नहीं कहाँ गई थी? मेला देखने गई थी। और जो तेरा मेला यहाँ देखने आया उनके सामने मैं नाचती क्या? मुझे मालूम नहीं था ये लोग आने वाले। अरे वो लड़के वाले हैं तो उससे स्टैंप लिखवा कर नहीं आएंगे। आग लग जाए इस घर को वक्त पर कोई चीज भी नहीं मिलती। न जाने कहाँ थोक रख देती है घाट। अच्छा अच्छा मेरे हाल पर रहम खाओ रानी जी और जल्दी से तैयार हो जाओ। ए जरा मुंह पर कुछ रंग मल के आना समझी। की तो अच्छी है बहन जी, पढ़ाई लिखाई पे रुपया पानी की तरह बहा दिया सरदार जी, लड़की क्यों ना पसंद आएगी? लड़का कैसा है? लड़का तो लाखों में एक है, एक गुण हो तो कहा जाए, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। शायद आपको पंडित जी ने बता दिया होगा, हम लोग दहेज वहेज कुछ नहीं देने वाले। हमारा दोस्त दाज के खिलाफ है। लड़के की कोई शर्त वर्त? अजी कोई शर्त वर्त नहीं, उसे तो सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की। तुम्हारी बेटी नु फूल दी देना रखेगा, बड़ा प्यार करने वाला शख्स है। जब तुम पहला बीवी मरी थी रो रो के बेहाल हो गया था, असा रोक लेता नहीं तो खुदकुशी कर लेता। वो तो अब भी शादी करनी नहीं चाहता था। मैंने समझाया भले मानस मोहल्ले में खाली घर अच्छा नहीं मालूम होता, तब जाके कहीं माना। Thank you.
ये मकान पसंद है? जो है यही है। खाना पका लेती हूँ। तुम खाना पकाओ, मैं भी आता हूँ। अभी से सुन ले, शंकर के घर को औरत तब्दील नहीं करेगी, औरत यहां आके तब्दील होती है, सुना? वहां कहां जा रही है? इधर आ। इस घर की एक एक ईंट जानती है कि शंकर सिर्फ एक बार आवाज देता है और दूसरी बार ठोकर से बात करता है। सुना, ये घूंघट कैसा निकाल रखा है अभी तक? हटाए से। शादी के बाद ये नखरे टखरे कैसे? मेरे साथ रहना है ना तो बेशर्म बन के रहे, इसी में तेरी भलाई है। जालीदार, हिंदुस्तानी औरत होके भूल गई क्या? इधर जूते खोल मेरे। क्या चींटी की तरह हाथ हिला रही है? परे, मैं खुद खोल लूंगा। घंटा भर इसके लिए भूत रखा है। आपने शराब पी रखी है?
बिल्कुल नहीं। आपने जरूर शराब पी रखी है। तू पागल है, मैंने अमृत पिया है, तुझे यकीन नहीं तो चख के देख। जी जी, कितनी गंदी बात है, आज की रात भी आप। ए, ए, टुकड़े करके फेंक दूंगा अगर मुझे नसीहत की तो। सुना, मैंने जब तुझसे शादी की थी ना, तो तेरे चाचा से ये वादा नहीं किया था मैंने कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बंद कर ये रोना खोना। खाना क्या तेरा बाप खिलाएगा मुझे? जा जाके खाना लेकर आ, भूख लगी है मुझे। जा। लानत है, खांस के ही उठाओ भी या कोई और तरीका भी है उठाने का? अरे बाप रे, मेरा सिर। शंकर दादा, ओ शंकर दादा। अरे ये सुखी का बच्चा है, चाहो सुल्लू के पट्टे के बोल, टाल दे उसे, बोल मेरे सर में दर्द है। नमस्ते भाभी, जरा शंकर दादा से किराए की बात कहनी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं भैया, फिर किसी दिन आ जाना। क्या तबीयत ठीक नहीं थी? रात को ज्यादा पी ली होगी, तबीयत कैसे ठीक रहेगी? सच कहता हूँ भाभी, बस अब तुम ही इस घर को संभाल लो। तुम जाओ। क्या सुखी? जी 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 जी। तेरे सेठ को रात नींद नहीं आती क्या कि सुबह सुबह हम लोगों को जगाने भेज देता है? मैंने कहा भैया अब तो किराया दे ही दो, काफी तंग कर लिया है तुमने सेठ को। कितना किराया है तुम्हारा जो सुबह सुबह चींची लगा रखी है? पूरा 6 महीने का। तो क्या हुआ भाई, तुम्हारा सेठ देश की आजादी के लिए 150 साल इंतजार कर सकता है, तो हमारे 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकता? मजाक में करो शंकर दादा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सिगरेट है? नहीं, बीड़ी है। चलेगी ला। दादा, अबे रोता क्यों है? ये हराम खोर ओपन टू क्लोज लग गया ना एक दफा, तेरा मेरा दोनों का बेड़ा पार है। एक बात कहूं दादा, कोई नंबर लाया है क्या? अब तो घर संसार वाले हो गए हो, कोई काम काज करो कि घर की गाड़ी चले। इस सट्टेबाजी में कभी किसी का भला नहीं हुआ। सुखी राम जी, तुझे अपना नाम पसंद है ना सुखी राम? हाँ जी। तो दुखी राम तो नहीं बनना चाहता? नहीं जी। तो बात सुन, रात मैंने छक्के से मिंडी लगाया था और आया मिंडी से छक्का। जैसे नंबर उल्टा हो गया ना, इसी तरह तुम भी उल्टे होकर भाग जाओ। और अगर मैं न भागूं तो मैं आपकी खाल खींच लूंगा। अरे बाप रे, सेठ जी, ओ सेठ जी।
उलझन को कौन सुलझाए, मेरी उलझन को कौन सुलझाए, अकेली चंबली घबराए, हाय अकेली चंबली घबराए, फूल बगिया में भंवरे आए, फूल बगिया में भंवरे आए, अकेली चंबली घबराए, हाय अकेली चंबली घबराए। पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आप भी मेरा मान नहीं रखेंगे, खाइए ना। कितना अजीब लग रहा है कि ये जानते हुए भी कि मेरा तुम्हारे पति के साथ क्या रिश्ता है, तुम मुझसे बिगड़ी नहीं, नाराज तक नहीं हुई, कुछ भी तो नहीं कहा तुमने। कहने से अगर नसीब बदल सकता तो मैं जरूर कहती, लेकिन तुम्हें अपना हक तो मांगना चाहिए। कभी कभी सोचती हूँ कहीं मैंने ही तो आपका हक नहीं छीन लिया, मेरे आने से पहले ही तो वो आपके पास था। अरे तुम्हारी तबीयत भी तो खराब है। अरे गैया, ओ गैया, अरे मेरी गुगली बोलो आए। इंसान कभी नहीं संभलता, नशा इंसान को हैवान बना देता है, जैसे कि इस वक्त तुम। तो ये मालूम है ना
कि नसीहत करने वाली औरतें मुझे आग लगती। इससे पहले कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तू भाग जा, भाग जा कहता हूं। तूने कजरा को क्या पट्टी पढ़ा दी थी, बहुत पक पक कर रही थी। मैं नशे में था इसलिए बच गई, वरना नहीं। नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उन्हें उन्हें खुद ही सब कुछ बुरा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ नहीं रुकी। शंकर के साथ हुज्जत करके वो इस तरह नहीं जा सकती। मैं उसकी नींद हराम कर दूंगा। सुनिए, आज आप वहां मत जाइए, कल वो आपसे झगड़ कर गई है। इसी बात का तो आज उससे फैसला करना। मुझे बेइज्जत करने का उसमें हौसला कहाँ से आया? वो नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी। आज के दिन घर रुक जाइए, आज वहां मत जाइए। मेरी आंख पड़ गई है, ये बुरा शगुन है, मत जाइए आप वहां। सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आज कहीं मत जाइए। आज मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। शंकर के कदम सिर्फ मौत रोक सकती है, और आज उसका रुख इस तरफ नहीं, किसी और तरफ है। हट परे। शंकर फांसी के तख्ते पे लटक सकता है, मगर औरत की बेवफाई नहीं सह सकता। क्यों गजरा भाई, तूने तो कहा था कि तू एक मर्द की औरत है, और वो मर्द है शंकर। ये कहां का बाशिंदा है? खुश से बात करो, मैं तुम्हारी लुगाई नहीं जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। गजरा भाई, सारी दुनिया जानती है कि जब बिजली ने मुझसे मुंह मोड़ा था ना, तो मैंने उसे कोठे से नीचे फेंक दिया था। आशा तेरी बारी है। छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हारे पास शराफत नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस हैवानियत को भी अपने पास रखो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेहद नफरत करती हूँ। शंकर ये जिल्लत उठा के यहाँ से नहीं जा सकता। अब उसे ये दाग किसी के खून से धोना होगा। शंकर सुनो तो, ये तुम क्या करने लगे हो? नहीं शंकर, नहीं शंकर। शांति, बेवफा, खून हो गया, खून हो गया, खून हो गया। Yeah.
शंकरलाल का यही मकान है? जी हाँ। आप उनकी बीवी हैं? जी हाँ। क्यों, क्या बात है, उन्हें क्या हुआ है? जी मुझे आपसे कुछ कहना था, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बैठिए। ठीक है, बात यह है कि शंकरलाल ने खून कर दिया। हाँ, शहर की एक मशहूर नाचने वाली गजराबाई का उसने खून कर दिया। बाद में किसी की मोटर चुरा कर वो शहर से बाहर भाग रहा था। पुल पर शंकरलाल की मोटर काबू में न रही और एक खौफनाक एक्सीडेंट में मोटर और शंकरलाल दोनों नदी में गिर पड़े। लाश अभी तक नहीं मिली, उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी। सहारा विधवा हूँ। तो यहाँ कैसे आ गए? बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ आ गई थी। मुझे यहाँ पड़ा रहने दीजिए, बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। आपका अपना घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। तो आप आश्रम क्यों नहीं चली जाती? आश्रम? जी हाँ, शहर में अनाथ औरतों के लिए बहुत बड़ा आश्रम है, उन्हें वहाँ हर तरह का आसरा दिया जाता है। लेकिन मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? मनोज हाँ? मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में इनको छोड़ता जाऊँगा। आश्रम के मैनेजर मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त हैं। हाँ ये ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर कैलाश, आप इनके साथ चले जाइए, ये सब बंदोबस्त कर देंगे। आइए आइए ना। आगे रास्ता खराब है, गाड़ी नहीं जा सकती, बस थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। कौन सी जगह है ये? क्यों, जगह पसंद नहीं है? मेरा तो ख्याल था कि तुम दुनिया के शोरगुल से तंग आ चुकी हो, शायद ये तन्हाई अच्छी लगे। आश्रम कहाँ है? तुम्हें देखकर आंखों में बिल्कुल अंधेरा छा गया है और इसीलिए रास्ता भटक गया हूं। अगर तुम सहारा दे दो तो रास्ता मिल जाएगा। बेशरम, छोड़ दे मेरा हाथ। हाथ पकड़ कर छोड़ने वाले बेवफा होते हैं। कमीने, बेशरम, छोड़ दे मुझे। तुम्हारे दोस्त ने तो मुझे आश्रम ले जाने के लिए कहा था। दोस्त ही तो एक दूसरे के काम आते हैं, अगर आश्रम में एक दिन कम काटोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा।
कौन हो तुम? सारी रात यहीं गुजारी है क्या? बहुत दुखी मालूम होती हो तुम। हाँ, बहुत दुखी हूँ मैं, बड़ी अभागन हूँ। भगवान जी भर के बदला ले रहा है मुझसे। ना ना बेटी, भगवान को इस तरह कोस कर कोई सुखी नहीं होता, वो तो तुम्हें परख रहा है। जाने कब तक परखता रहेगा, फिर भी कुछ तो छीन लिया उसने। माँ बाप, पति, सारे रिश्ते नाते टूट गए, बरसों से आंसू पी रहा है मेरे, न जाने कब इसकी प्यास बुझेगी। रो मत, तुमने शरणी कब मांगी है देवनहार से? आज भी तुम उसके द्वार पर रूठी हुई बैठी हो। ये दाता तो बिन मांगे देता है, तभी तो मुझे यहाँ भेज दिया है। समझ लो, आज से तुम्हारे सभी दुख दूर हो गए। माँ, मैं तुम्हें जानती नहीं, लेकिन तुम्हारी ममता को देखकर लगता है तुम कोई देवी हो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? चलो, तुम मुझे आसरा दोगी? हाँ हाँ, हमारे घर में और भी बेटियां हैं, मैं समझूंगी, भगवान ने मेरे घर में एक और बेटी भेज दी है। चलो। भगवान मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। तुमने अपना नाम क्या बताया था? शांति। शांति, चलो तुम्हारा कमरा दिखा दे। आज से ये कमरा तुम्हारा है। तुम कुछ थकी हुई हो, थोड़ा सा आराम कर लो। अरे हाँ, एक बात मैं अभी से कह दूँ, जब तक तुम अपने को यहाँ गैर समझोगी, तभी तक तुम्हें यहाँ तकलीफ है। जिस दिन इस घर को अपना समझोगी, सभी दुख दूर हो जाएंगे। आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी? मैं तो बहुत गरीब मैं तुम्हारी सूरत देखकर ही बता सकती हूँ, वो दिन भी जल्द आएंगे जब तुम बदला चुका दोगी। अच्छा, मैं जरा घर का काम काज देख लूं। लछुआ, अरे ओ लछुआ, हाँ। जा कुंवर साहब के घर पे खबर पहुंचा दे और कह दे कि हमारे घर में आज उनकी दावत है। जी दीदी। तुम्हारा नाम शांति है? हाँ। मैं सुल्ताना, ये तारा ही चमेली। तुम सब यहीं रहती हो? हाँ, हम सब यहीं रहती हैं। यहाँ क्या करती हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम? अरे ये कोठा है, कोठा। मगर वो औरत तो मुझे मंदिर में मिली थी, उसने मुझे सहारा दिया था और मैं समझी भगवान मुझे खुद सहारा दे रहे हैं। हमें भी इसी हमदर्दी ने जिंदगी भर के लिए इस कुएं में फेंका है, अब यहाँ रोटी भी एक शर्त पे मिलती है, शराफत और शर्म दोनों को भुला कर। इन दीवारों में कैद होकर हमने भी भागने चाहा था, और यहाँ आए हुए कदम वापस नहीं जा पाते। मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए, मैं सड़कों पे भीख मांग लूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम जबरदस्ती मुझे इस नरक में नहीं छोड़ सकती। Thank you.
से खबर मिली थी कि संगीत कला मंदिर के संचालिका ने अपने यहाँ इलीगल प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बनाया हुआ है। आज हमने रेड करके उन्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया है। केस कोर्ट में देने से पहले आप उन्हें देख लेते। ऑलराइट, ब्लाओ। हवालदार। यस सर। एक एक करके सबको अंदर भेजो। तुम्हारा नाम? सुल्ताना। प्रोफेशन? साहब पूछ रहे पेशा क्या है? पैसा कमाना। जरिया बताओ। हुजूर, संगीत का शौक है, हमारे वहाँ गाना और बजाना होता है। जाओ। दूसरा चला चला। तुम्हारा नाम? मुझे छोड़ दीजिए, मैं निर्दोष हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। वो औरत है ना, वो औरत मुझे जबरदस्ती लेगी, मुझे धोखे से लेगी थी ना। कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर, तुम इसे जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत शरीफ लड़की है। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? ये रेड में लड़कियों के साथ पकड़ी गई। जी, लेकिन सर मैंने इसे कल ही अपने दोस्त के साथ आश्रम भेजा है। आश्रम? जी हाँ। ताज्जुब है। ये ठीक कहती है हुजूर, इसे फरेब से वहां लाया गया था। इसे छोड़ दीजिए हुजूर, ये किसी अच्छे घर की लड़की है। अगर कहीं एक बार हमें शामिल कर दी गई तो बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी। सर इसे छोड़ दिया जाए। आर यू श्योर इंस्पेक्टर? यस सर, वरना इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसे जाने दिया जाए सर, प्लीज। तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सुनो, तुम इन गंदे लोगों के धंधे में कैसे फंस गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उस दिन तुम मुझे आसरा दे देते तो आज मेरी ये दशा न होती, मेरी जिंदगी पर ये इतना घिनौना दाग न लगता। एक शरीफ आदमी समझकर मैंने तुमसे सहारा मांगा था और तुमने मुझे इस नरक में झोंक दिया, जहां एक हाथ से इज्जत बांटी जाती है और दूसरे हाथ से रोटी दी जाती। मगर मैंने तो अपने दोस्त के साथ तुम्हें आश्रम भेजा था। हाँ, यही था वो आश्रम जहां तुम्हारा दोस्त मुझे पहुंचा कर आया था। अब बताओ, अब कौन से आश्रम में भेजोगे तुम? भगवान के लिए मुझे ऐसी जगह भेज दो जहाँ मेरी सांसें रुक जाए, मेरा दम घुट जाए और मैं फिर बलट कर कभी ना आ सकूं। तुम लोग औरत को जीने क्यों नहीं देते? तुम उसका मजाक क्यों बनाते हो? उसे जीने क्यों नहीं देते? लेकिन मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। हवलदार, पढ़ लो तुम। किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें और कमजोरी भी बहुत है। ऐसी हालत में इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और किसी तरह की एक्साइटमेंट न होनी चाहिए। आप अपने नौकर को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दवाई दे देता हूं। जी सुजू, जल्दी दवाई लेके आओ। बहुत अच्छा मालिक। Thank you.
घबराओ मत, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं, ठीक हो जाओगी तो जहाँ जी चाहे चली जाना। आगे मत बढ़ो, मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ, इसमें भी कोई धोखा। तुम मुझे गलत समझ रही हो, दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। सब मर्द एक जैसे होते हैं, आज तक किसी मर्द ने किसी अबले का हाथ नहीं थामा, सबने उसका आंचल ही खींचा। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, तुम्हारी हमदर्दी से मुझे डर लगता है। इस धरती में मुझे कोई इंसान नहीं मिला यार। सुजू, सुजू। जी आया मालिक। दवाई पी लीजिए। कितने अच्छे फूल हैं, कहाँ से लाए? साहब ने भेजे। वो अब सो रही हैं, लेकिन उनकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। नोज बाबू, आप अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए, अगर आपकी यही हालत रही तो मुझे आपका भी इलाज करना पड़ेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो अच्छा ही हूँ, सिर्फ इन्हें अच्छा कर दीजिए डॉक्टर। आप नहीं जानते आज इनकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक दिन इन्हें सहारा देने की बजाय मैंने कायर की तरह मुंह फेर लिया, और अब भगवान न करे अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, मेरी आत्मा मुझे हमेशा के लिए कोसती रहेगी। आप खाम खा परेशान हो रहे हैं मनोज बाबू, दो चार रोज में तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। चलिए अच्छा तो मिस्टर मनोज, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। ये फूल मुझे दे दो। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? इस धरती का बोझ हल्का हो जाता। देखो दुनिया में खुद कोई जीने नहीं आता, तो फिर मौत को बुलाने का हमें क्या हक है? मरने की तमन्ना तो सिर्फ बुजदिल करते हैं, और तुम्हें तो बहुत देर जीना है। भगवान तुमको इतने सुख दे, इतने सुख दे कि तुम अपने पिछले तमाम दुख भूल जाओ। तुम रोती क्यों हो? देखो इस तरह तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। आपसे पहले किसी ने उसे ऐसा सलूक नहीं किया, सबके लिए मैं हमेशा बोझ ही रही हूँ, और एक अजनबी होते हुए भी आपने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितनी तकलीफें उठाई। समझ में नहीं आता आपकी एहसान कैसे उतारू। बस
तुम हमेशा खुश रहा करो, भूल जाओ सब कुछ, तुम सब कुछ भूल जाओ। आप कौन हैं? आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो तो कोई देवता ही कर सकता था, और मैंने आपको कितना गलत समझा, कितना गलत समझा। आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत थी? बड़ी मुश्किल से तुम अच्छी हुई, फिर बीमार होना चाहती हो क्या? चलो उठो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है, इस सुरजू गधे को कभी अकल नहीं आएगी। मैंने उसे मना किया था, मैंने सोचा आज मैं ही। लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। आपको मेरा इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता तो? नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा था। क्यों बंधु, तुम जल्दी जा रहे हो या मैं लेट आ गया? मैंने सोचा था कि आज नाश्ता वास्ता तुम्हारे ही साथ करेंगे, मगर कोई बात नहीं, चलो ऑफिस में चाय पी लेंगे। क्यों, क्या बात है? तुम बहुत संजीदा नजर आ रहे हो, कोई परेशानी हो तो हमें बोलो, हम हल करेंगे। कैलाश, उस रात उस लड़की को तुमने आश्रम पहुंचा दिया था? लड़की? वो, अरे उसकी याद तुम्हें कहां से आ गई है? मैं पूछता हूं उसे आश्रम पहुंचा दिया था या नहीं? हाँ हाँ, उसको बिल्कुल आश्रम पहुंचा दिया था, रहने वहने का सब बिल्कुल। कमीने सलील, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुमने उस लड़की को जंगल में जाकर परेशान नहीं किया? जी चाहता तुम्हारे इन पाप से भरे हुए हाथों के टुकड़े करता। मगर तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो मुझे, तुम्हें किसी ने झूठ बताया? वो लड़की तो नहीं झूठ बोल सकती। लेकिन वो लड़की कहाँ है? यही है, इस घर में मेरे साथ रहती है। बुलाओ उसे। खामोश क्यों, अब भी दोस्ती का दम भरोगे? वाह गुरु, लड़की को घर में ला के रख लिया। तुम तो मेरे भी उस्ताद हैं, क्या बाजी मारी, मुझे भी मिलो पीछे छोड़ दिया। तुम जैसे जलील लोगों ने इंसानियत का बदनाम कर रखा है, निकल जाओ यहां से। फिर कभी मेरे घर में कदम रखा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मुझसे भी कह रहे थे अब तुम बेफिक्री से घूम फिर सकती हो। मैं सोच रही थी अब चली जाऊं। मुझे एहसान किया तुमने, तरह किस बात की मिलती? मेरा बैग कहाँ? कमरा में। कमरा में? तुम गाड़ी में तू रखेगा या मैं? कोई काम ठीक से नहीं करता, सब परेशान करते हैं, मुझे कोई चैन से नहीं देने। बजने वाले हैं, तुम्हारे साहब अभी तक नहीं आए। का बोले, ई भान तो उन्हें पहली बार देखा था। ई घर में 10 बरस हो गवा, पहली बार हमका गुस्सा किए ने। इससे पहले भी कभी वो देर से आए हैं? ना बीबी जी, हमार बाबू हर रोज 6 बजे घर आवत रहे। तो फिर आज क्यों नहीं आ रहे? अब का बोले बीबी जी,
रुजू। बीवी जी चली गई? नहीं तो। देर से क्यों आए? जल्दी आकर भी क्या करता, किसके लिए आता जल्दी? मेरा मेरा कौन है यहां? कोई भी तो नहीं। एक मां है बेचारी, वो भी यहां नहीं। और तुम तो चली जाना चाहती हो ना? तो इस तरह आप पर कब तक बोझ बनी रहूं? आप पर, इस घर पर मेरा क्या हक है? हक? हक कोई साथ लेकर दुनिया में पैदा तो नहीं होता। हक तो बनाए जाते हैं। और शायद तुम नहीं जानती कि जिंदगी में तुम्हारे भी बहुत से हक हैं। आप खाना खा लीजिए। रात तक भी आप दफ्तर ही में थे क्या? नहीं तो फिर? मुझे घर आते हुए डर लग रहा था। क्यों? डर था कि तुम जा चुकी हो। अब तो आप देर से नहीं आया करेंगे ना? मदारी शोर मचा रहा है साहब। जियाला सरकार, मैं मर गया। अरे ये क्या पागलपन है, सीधे खड़े रहो। सलाम। क्या बात सरकार? गजब हो गया, जीना मुश्किल हो गया है सरकार। हुआ क्या है? मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ, अगर आप मेरी फरियाद नहीं सुनेंगे तो मैं जीते जी आग बंद कर लूंगा। सरकार मेरी शादी हो गई है, अगर अकेला होता ना तो कोई बात नहीं थी। देखो बक बक मत करो, सीधी कंप्लेंट बोलो। माय बाप, मेरा बंदर खो गया है। बंदर? व्हाट नॉनसेंस। सरकार अगर गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो प्रजा भूखे मर जाएगी। सरकार हवलदार, इसे 403 के पास ले जाओ, जाओ अपनी कंप्लेंट लिखा दो। सलाम। चल ए, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ। ओह, 403 साहब ने कहा है कि इसकी कंप्लेंट लिख लो। सलाम। सलाम, बैठो। ए बेंच पे बैठ। क्या कंप्लेंट है साहब? मेरा बंदर खो गया है। है? क्या कहा? मेरा बंदर खो गया है, मैं मदारी हूँ। मदारी? अच्छा, नाम बोलो। रसिया। बंदर का नाम है? जी नहीं, मेरा नाम है। अरे बंदर का नाम बोलो। अब बंदर का नाम तो देवजी है। ये तो मेरा नाम है, क्या मजाक लगाया? सीधा सीधा बोलो। आपका नाम भी मेरे बंदर का नाम तो हाथ मिला ही साहब। और शट अप, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो 6 महीने के लिए लॉकअप कर दूंगा, समझे? बोलो उम्र क्या है? मेरी या बंदर की? तेरी नहीं, बंदर की। ओह, बंदर की। 3 साल 2 महीने 1 दिन आधा घंटा। रंग कैसा है?
आप जैसा अब नजर आया, आपसे जरा उजला सा है। हाइट कितनी है? हाइट साहब मैंने समझा हाइट किसको कहते हैं? अरे ऊंचाई। ओहो ऊंचाई, बंदर की ऊंचाई, बंदर की मेरी कमर से 6 इंच कम। तुम्हारी कमर कितनी ऊंची है? बंदर से 6 इंच ज्यादा। ओहो किस गधे से पाला पड़ा कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा तुमको किसी के ऊपर शक है? शक? रसीली सरकार। रसीली कौन है? मेरी घरवाली 403 जी। 403 नहीं थानेदार को। ओहो बंदर को घरवाली ने भगाया? जी हाँ घरवाली ने। वो कहाँ है? वो घर पे है। घर पे है? हाँ। उसको यहाँ ले आओ, थाने में लाओ। हाँ हाँ उससे पूछना है बंदर क्यों भगाया। उससे पूछना है? आप कितने अच्छे। ए शरा दूर से बात करो। सलाम, मैं अभी भाभी लेकर आता हूँ। आज बड़े कुछ नजर आ रहे हो, रसीली ने कुछ नहीं कहा सुबह सुबह। अब कौन डरता है, पुलिस स्टेशन से होकर आ रहा। पुलिस स्टेशन? कोई नया बखेड़ा क्या? नहीं रिपोर्ट लिखवा कर आ रहा हूँ। किसके बारे में प्यारे? मेरी बीवी के बारे में। देवर लेके भाग गई? अबे दियाई कौन था? तो क्या कहीं से ले आई है? मैं पागल हूँ जो फिर रिपोर्ट लिखवाने जाता। अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओगे भी या इधर उधर की कपड़ेबाजी में शाम कर दोगे? रसीली को फंसा दिया है, अब सीधी हो जाएगी। हाँ घर में पांव रख के देख, बोलती बंद हो जाएगी जैसे हम नहीं जानते रसीली को। चंदू भैया तुझसे ज्यादा मैं रसीली को जानता हूँ। देख अगर मैं आज उसकी बोलती बंद नहीं किया तो मेरा नाम भी रसिया नहीं। मरेगा, अपनी बीवी को थाने ले जा रहा, ये नहीं जानता कि उसकी बीवी भी किसी थानेदार से कम नहीं। भाई आज तो रसिया जोर में लगता है, जरूर जोरू को लताड़ेगा। लगी 5-5 रुपए की, मैं कहता हूँ अभी मार खा के बाहर आएगा। लगी आज नहीं भागेगा। बंद करो ये सब चूल्हा चुका, आज से तुम्हारा खाना बड़े घर में पकेगा। चलो मेरे साथ जल्दी। आज कौन सी खुशी में बारात लेके आए हो? खुशी में बारात नहीं, खुशी में वारंट लाया हूँ। क्या कहा? फिर से एक दफा क्या है? देख रसीली तेरी भलाई इसी में है, तू मेरे मुंह मत लग। अरे ये सरकारी आर्डर है, देर लगाए तो तू ही मरेगी। चल मेरे नहीं। अरे चल नहीं। चल उठ। छोड़ दे। देख रसिया इस वक्त मेरे साथ छेड़खानी मत कर, वरना मैं तरकारी बाहर फेंक दूंगी और तुझे इस कढ़ाई में डालकर छोकना शुरू कर दूंगी, समझे? आज रसिया तेरी गुड़ की धमकी दोस्त में नहीं आने वाला। मैं तुझ पर बंदर भगाने का इल्जाम लगाया हूँ, आज मैं तुझे हवालात में बंद करके रहूंगा। अच्छा मुझे हवालात में बंद कर दो? अरे मैं तो फांसी चढ़ूंगी फांसी, पहले तेरे कलेजा भूनकर खा लूं। मेरा कलेजा भूनकर खा लूं? ये मेरा कलेजा कैसे भून के खाएगी? ऐसा थानेदार 403। अरे मेरी सड़ेल किस्मत, अपना मियां मुझे पुलिस के हाथ में देता है, शर्म नहीं आती इस मर्द को? रसीली रो मत, भगवान के लिए रो मत, तू तो जानती मेरा दिल कितना नाजुक है। मत रो रसीली मत रो। छोड़ दो, रो नहीं तो क्या करूं, दिन रात घर में बैठ के कड़ियां गिनती हूँ और तुम बंदर लेके बर्देश में घूमते हो। इससे तो अच्छा था मैं शादी नहीं करती। नहीं, नहीं, रसीली डाली, रसीली डाली, मैं तुझे इसलिए नहीं ले जाता हूँ कि तेरे पाँव में छाले ना पड़ जाए, तेरे ये रस भरे गाल कहीं धूप में सूख ना जाए, इसलिए मैं तुझे नहीं ले जाता हूँ, समझ गई ना रसीली? ये सब सह लूंगी मेरे सरताज, मगर ये मुखड़ा मुझे दिन रात देखने को मिले। मुखड़ा दिन रात तुझे देख? मैं कितना बेवकूफ हूँ, कितना नालायक हूँ, अरे किसी की उल्फत को नहीं समझ सका। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए, मुझे अपनी खोपड़ी क्यों? रसीली ये क्यों रो रही है? मर्दों की बेवफाई से दुखी होकर देवजी उसे छोड़कर गया है ना? देवजी? अरे अभी तो देवजी को ढूंढना है। अरे जल्दी कर जल्दी कर, तैयारी कर तैयारी, अरे आ जा, देवजी के पास ले जा रहा हूँ तुझे।
क्या हुआ जानू? वो वहाँ है ना, वहाँ। कौन है वहाँ? बंदर। बंदर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो यही था, पहले वहाँ बैठा हुआ था और अचानक अंदर आ गया। तुम्हें ऐसे वहम हो गया होगा। नहीं सच था। लेकिन अब तो नहीं है ना? अच्छा कपड़े उतार क्या? नहीं सुनिए सुनिए, आप मत जाइए, मुझे डर लगता है। अच्छा नहीं जाता, ये लो। छोटे से बंदर से डर गई? और जो काट लेता तो? कैसे काट लेता? मैं जो यहाँ था। आप तो खुद डर रहे थे। क्या? मैं डर रहा था? नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा था। कौन? मैं डर रहा था क्या? टिक 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 डम 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 टिक 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 डम 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 तेरी कितनी तिन्ना चटाक 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 पे मदारी। अरे क्या है प्यारी, जरा खेल दिखा दे ना। ले तू भी देख ले। हाँ मेरा बंदर चला है ससुराल, देखो जरा लटका। ओए बेटा जी के लाल लाल गाल, ओ देखो जरा लटका। मेरा बंदर चला है ससुराल, देखो जरा लटका जी लटका। सर पे पगड़ी हाथ में डंडा, डंडे पर है प्यार का झंडा। मथुरा जी से चल के ये मजनू आया है नैनीताल, देखो जरा लटका। मेरा बंदर चला है ससुराल, देखो जरा लटका। उठ सजनी अंदर आया है ससुराल, देखो जरा लटका जी लटका। बाप रे बाप ये तो काबू में ना आए, बाप रे बाप ये तो काबू में ना आए। ऐसी चुड़ैल से तो राम बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए। अजी खाली पीले करो ना धमाल, बुलु लाए हो क्या क्या माल, मामला है
my darling, देख ये जादू क्या क्या मैं लाया हूँ, देखती जा तू, देख ये बनारसी साड़ी जरी की, इसमें लगेगी ये बेटी परी की। ओहो ये पेटीकोट, आहा ये चोली, मान जा रे मान जा, ओ मेरी फूली, तेरे सैया ने किया है कमाल सबको दे पटका, तेरे सैया जी राम राम नमस्ते बाबूजी चलो चलो जल्दी चलो 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 नमस्ते बाबूजी नमस्ते चलो चलो चले पहुंच रहे हैं चलो चलो पहुंच चलो भाग चलो नमस्ते बाबूजी राम कौन है ये लड़की? ये तो हम ना जाने माँ जी। कब से ये तमाशा हो रहा है इस घर में? जी तो मोहल्ले वालों ने जो खबर भेजी थी ठीक ही थी। देख लो आज बिल्कुल टाइम से आया हूँ, रास्ते में तुम्हारे लिए फूल लेने चला गया था, मैंने समझा देर हो जाएगी, लेकिन मैं तो बात क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी आई है। माँ? और इस तरह अचानक? उधर हैं। तुमने इतला रही थी माँ कि तुम आ रही है। कौन है ये लड़की? इसका नाम शांति है। मैं इसका नाम नहीं पूछ रही, मैं पूछती इस घर में ये क्या कर रही है। माँ ये एक बेसहारा लड़की है, बहुत शरीफ अच्छे घर की, इसका दोष सिर्फ यही है कि दुनिया में कोई नहीं, इसका बिल्कुल अकेली है बेचारी। कितने दिन से तू जानता है इसे? यही कुछ 6-7 रोज से। और 6-7 रोज की पहचान से तुझे ये भी एतबार हो गया कि शरीफ है, भले घर की औलाद है, भले घर की औलाद इस तरह रास्ते पर पड़ी हुई नहीं मिलती, और ना इसके माथे पर लिखा है कि ये चोर नहीं, आवारा म्यूजिशियन। माँ ये तुम्हारा सरासर अन्याय है, किसी को जाने वाला उसके बारे में ऐसी राय कायम करना तुम्हारी सरासर गलती है। माँ गलती तो मुझसे तभी हो गई थी जब मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़ कर गई थी, मेरी तो ये भी गलती है कि मैं अपने बेटे को नहीं समझ सकी। आखिर कौन सा पाप किया मैंने, कौन सा ऐसा बुरा काम किया जिसके लिए तुम इतनी दुखी हो रही हो? दुख नहीं तो क्या खुशी होगी, अब समाज में जो उंगलियाँ उठेंगी उसे मैं रोकूंगी, अब तू रोकेगा। माँ मेरी जगह तुम्हारा कोई बेटा होता तो यही करता जो मैंने किया है, यही तो इंसान का फर्ज है कि दुख में दूसरे के काम आए उसकी मदद करे। माँ तुम तो जन्म देने वाली हो, क्या किसी मासूम की जिंदगी से खेल कर अपने पितर हाथों पर दाग लगाना चाहती? ऐसा मत करो माँ, मत करो ऐसा। उससे बहस मत कर बेटे, ये ले तिजोरी की चाबियां, उससे कह दे जितना चाहिए उतना रुपया ले जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटे को छोड़ दे। वो कोई बाजार में बैठने वाली लड़की नहीं है माँ, ना ही रास्ते की भिखारन है जिसे हमारे रुपये की भूख है, उसे तो सिर्फ हमारे प्यार और हमदर्दी की जरूरत है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं माँ, वो मैं सच कहता हूँ तुमसे बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम मेरी तरह उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती? इस दुनिया में रहकर मुझे दुनियादारी देखनी पड़ेगी, मुझे समाज को नहीं सुधारना है, मुझे अपने घर की खुशी चाहिए, और मैं किसी हाल में भी अपने घर की खुशी नहीं उजड़ने दूंगी। तो सुन लो माँ, मैं भी इस मासूम और बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, दुनिया वालों के झूठे तानों से डर के एक बुजदिल की तरह तुम्हारे आंचल में मुंह नहीं छुपा सकता। अगर तुझे माँ के आंचल में मुंह छुपाते हुए शर्म आती है तो माँ का मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आती? इस वक्त तुम हर चीज को उल्टा और गलत समझ रही हो, इस बात का फैसला फिर कभी हो सकता है। नहीं अब मैं तुम्हें बिल्कुल वक्त देना नहीं चाहती, मैं इस लड़की को एक मिनट भी अपने घर में नहीं देख सकती। जिद न करो माँ, तुम्हारा गुरूर टूट जाएगा, तुम्हारा बेटा जिंदगी में आज पहली बार तुम्हारे सामने इनकार कर देगा। माँ तो मेरा भी फैसला सुन ले, इस घर में या तेरी माँ रहेगी या ये लड़की, दोनों नहीं। ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
कहाँ जाओगी तुम? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से मुसीबतें झेलने के लिए कैसे घर से बाहर धकेलता हूँ? किस तरह अपने हाथों से तुम्हारा गला घोटता हूँ? आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? वो आपकी माँ जी हैं और मैं तो मैं जिस घर में मुझे आसरा मिला है मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, वहां आग नहीं लगने दूंगी। आग तो तुम्हारे चले जाने के बाद लगेगी, सब कुछ जल जाएगा शान, सब कुछ जल जाएगा। किधर मैं जाऊं, किधर मैं जाऊं समझ ना पाऊं, बुला रही है दो राहें, इधर है ममता और उधर है भीगी हुई निगाहें। कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना। बच के एक भटकती नाव लगी थी किनारे, किसे खबर थी फिर पहुँचेगी आंसुओं के द्वारे। भंवर से बच के एक भटकती नाव लगी थी किनारे, किसे खबर थी फिर पहुँचेगी आंसुओं के द्वारे। हाय इस तरह भाग किसी से रूठे ना, हाय इस तरह भाग किसी से रूठे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना।
अभी अभी दो फूलों वाली झूम रही थी डाली, घिरी अचानक काली बदली बिजली गिराने वाली। अभी अभी दो फूलों वाली झूम रही थी डाली, गिरी अचानक काली बदली बिजली गिराने वाली। होते होते साथ किसी का छूटे ना, होते होते साथ किसी का छूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना। साहब, ये क्या है? कल रात एक लड़की ने नदी में कूदकर खुदकशी कर ली है, जिसकी लाश मुआयने के लिए लाई गई। क्या? हेलो,
इंस्पेक्टर मनोज, केस नंबर 910 का क्या हुआ? जी सर, उस लड़की को बहुत ढूंढा है मैंने, कहीं मिलती नहीं, न जाने कहाँ चली गई है। कौन सी लड़की? मैं तुमसे स्मगलिंग केस के बारे में पूछ रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। इंस्पेक्टर मनोज, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिखाई देते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी कुछ समझ में नहीं आता सर, मैं सोचता कुछ और हूँ, होता कुछ और है, न जाने क्या हो गया है। शायद ज्यादा काम की वजह से दिमाग पर बोझ पड़ा। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि चंद रोज के लिए छुट्टी ले लो, ठीक हो जाओ। जाओ एप्लीकेशन टाइप करवा लो, मैं साइन किए देता हूँ। जाओ जाओ। यस सर, थैंक यू सर। मनोज कहाँ जा रहे हो? अरे मैं पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं जानती हूँ तेरे सर पर क्या पागलपन सवार है, भूल गया उस लड़की के घर में रहने से शहर भर में क्या क्या चर्चा होने लगी थी। मैं ही जानती हूँ कि हम बदनामी से कैसे बचे हैं, और एक तू है मेरा जिद्दी लाल जो घर की इज्जत जरूर खाक करके रहेगा। उसे ढूंढने का ख्याल छोड़ दे बेटा, आखिर तुझे क्या कमी है मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर घर की बेटी लेकर आऊंगी। इस लड़की को छोड़कर तू जिसकी तरफ उंगली उठा देगा मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। जिस लड़की की जात का पता नहीं, आगे पीछे का कुछ भी पता नहीं, तू उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? वह जहां से आई थी वहीं चली गई होगी, तू उसे भूल क्यों नहीं जाता? मैं शांति को लेकर वापस आ जाऊंगा।
भाई, क्या चाहिए? मुसाफिर हूँ बाबा, रात भर सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अच्छा आओ अंदर आओ। बैठो बाबू। बहुत थके हुए मालूम होते हो, कहां से आ रहे हो? बहुत दूर से आ रहा हूं बाबा, मेरा कुछ खो गया है, बस उसी को ढूंढता फिरता हूं। कुछ पता चला? निराश नहीं होते बाबू, निराश नहीं होते, निराश नहीं होते। जिंदगी का दूसरा नाम तो खोज है। जिस दिन खोज खत्म हो जाती है बाबू, उस दिन जिंदगी भी खत्म हो जाती है। ढूंढते ढूंढते तन भले ही थक जाए, पर मन को नहीं थकना चाहिए। मेरा तो मन भी थक गया है बाबू। भगवान पे भरोसा रखो बाबू, वो हर बेसहारे को सहारा देने वाला है। अगर वो मुझ जैसे गरीब को शांति दे सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? तुम्हें जरूर शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी बाबू। शानू, शानू, मुझे यूं बेसहारा करके क्यों चली आई तुम? ऐसा क्यों किया तुम शान, क्यों किया? आपको सुख पहुंचाने के लिए सोचा था आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप मुझे फिर ढूंढ न सके। जीते जी तो किसी को सुख न पहुंचा सके, मौत से किस्मत बदलनी चाहिए वो भी न हुआ। लहरों ने भी मुझ बदकिस्मत को धोखा ही दिया, आसरा नहीं दिया। काश मैं मर गई होती। जीवन दान देकर शराब मत दो शान,
प्यार कोई पाप तो नहीं जिसका ये अंत हो। आप मुझे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं भूल जाते आप? तुम समझती क्यों नहीं ईशानू, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भूल सकता तो तुम्हारी याद मेरी आत्मा की गहराइयों में क्यों उतर जाती? भूल सकता तो इतने लंबे सफर में मुझे कहीं तो सुकून मिल गया होता। शानू, शानू तुम्हारे बिना भी जीने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जी सका। शानू नहीं जी सका। शानू कसम खाओ कि तुम अब छोड़कर मुझे नहीं चाहते। जाने कितनी जिंदगियों का जोर लगाकर आपसे दूर आई थी। आपको देखकर फासले सिमट क्यों रहे हैं? फासले थे कब शायद? ये तो कई जन्मों का मिलन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। जाने कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन हमारा ये मिलन दुनिया वालों को स्वीकार नहीं, माजी को, समाज को, किसी को भी तो मंजूर नहीं। कोई भी हमें इजाजत नहीं देगा कि हम मिलें। भगवान हमें मिलाना चाहता है शानू। अगर भगवान की मर्जी ना होती तो लहरों से डबोने की शक्ति कौन छीन लेता शानू? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो आज उसके घर में इस तरह तुम मुझे कैसे मिल जाती? जिस भगवान ने आज तुम्हें फिर से लौटा दिया है उसी के सामने आज मैं तुम्हारा हाथ थाम कर कसम खाता हूं शानू, जब तक जीऊंगा तुम्हें अपने से अलग ना होने दूंगा। शानू अगर हमारे प्यार को बलिदान की जरूरत हुई मैं दूंगा शानू, तुम नहीं। अच्छा शान, ये बताओ बचपन में तुम्हारे घर के सामने एक मंदिर था? अरे कैसे मालूम? शानू तुम्हारे जैसी सूरतें भगवान के अपने ही साय में पैदा होती हैं। मंदिर भी था और नदी भी थी। एक बार उस नदी में बहुत बड़ा सैलाब आया, फिर सब कुछ डूब गया। गांव, मंदिर, 3 दिन तक हम लोग छतों पर पड़े रहे। लेकिन शानू तुम लोग बचे कैसे? याद नहीं, माँ कहती थी कि लोग आए थे बचाने। अच्छा ही हुआ तुम बच गए। देखो ना, जब भी डूबने लगती हूँ किसी न किसी तरह बच जाती हूँ। मेरा नसीब जो अच्छा है। शानू, इस नदी का नाम क्या है? तृष्णा। क्या? तृष्णा। तृष्णा का मतलब जानती हो? क्या? प्यास। हाँ। लेकिन कितनी अजीब बात है, इस नदी में इतना पानी है फिर भी इसका नाम तृष्णा है। बिल्कुल ऐसे ही है शानू जैसे मैं और तू। कितने पास है हम दोनों फिर भी।
इतनी सारी सब सोने की कांच की मेरी बदनामी कराएगी क्या? क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बीवी को सोने की चूड़ियां भी नहीं पहना सकता? कांच की चूड़ियों की आवाज इतनी प्यारी होती है ना। हाँ। अच्छा तो फिर यूं करेंगे, इस हाथ में सब सोने की और इस हाथ में सब कांच की। जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। एक दिन लहरों से इसे पाया था, फिर लहरों के हवाले कर रहा हूं।
मगर आज इसके डूबने का डर नहीं है, आज ही उस पार जा रही है जहां दुनिया के सारे सुख हैं। बाबू, मेरी बिटिया का ख्याल रखना, तुम्हारे सिवाय इसका कोई नहीं है। रो मत बाबा, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत जल्द तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे बेटा। टिकट प्लीज। सो रहे हैं। टिकट प्लीज। मास्टर। ओ क्या मानता है? टिकट दे, 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 दे। लो टिकट। सोने को भी नहीं देता। हमारी बेगम को दे दो टिकट वापस। ये भाई साहब, ये बंदर किसके हैं? ये बंदर आपके हैं? फिर किसके हैं ये बंदर? ठीक है, अगर किसी के नहीं तो मैं अगले स्टेशन पर इनको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठहरिए साहब, अरे ये क्या बंदर लावारिस है क्या? इनके माँ बाप नहीं है कोई, हैं? क्या आप पुलिस के हवाले कर देंगे? तो आपके हैं? हैं। तो फिर इनका टिकट निकालो। जी मैं पूछता हूँ इनका टिकट किधर है? बंदरों के भी पैसे लगते हैं। ए, सरकार, ये बड़े भोले जानवर है, झाड़ पर चढ़कर बैठते हैं, इनकी टिकट नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है ना, ये झाड़ पे नहीं ट्रेन में बैठे हुए, निकालो पैसे। हुजूर, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, उन पर तो पैसा चढ़ाया जाता है, आप इनसे पैसा लेकर अपना स्वर्ग बिगाड़ना चाहते हैं? हुजूर की बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकालो। पैसे? पैसे कहाँ? अच्छा तो अब चलाओ मुझे। सरकार, उधार नहीं चलेगा, सच कहता हूँ, वापसी में दोनों तरफ के पैसे दे दूंगा। चलो नीचे उतरो। एक जुर्म तो बंदरों को पैसेंजर कोच में लाके करते हो, दूसरे टिकट भी नहीं खरीदते। चलो नीचे उतरो। मेरा मुंह क्या देखते हो? चलो नीचे उतरो। अच्छा बाबा, उतरते उतरते। चलो रसीली। अपना दाना पानी तो इसी स्टेशन तक था, बाकी का ये टूटी के नाम पे लिखा हुआ है। चलो मेरी बात कर। अरे मैं टोपी का रखी है, ये ले लो ना। टीटी साहब, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। देखिए मैं कहता हूँ, आप हमको मत सताइए, प्रदेश में आप हमको छोड़ देंगे तो यहाँ का पानी हमें रास नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारी बात तो सुनिए। अरे गवर्नमेंट जी, नमस्ते। अरे अपने गवर्नमेंट जी आए। क्या बात, इनके पास बंदरों का टिकट ही नहीं है। भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैं टिकट लेने गया था लेकिन मेरा जेब खाली थी। कहाँ जा रहे थे? अपने शहर याद है इंदौर। टिकट बना दीजिए, चेंज इधर लाओ। ये हमारे बंदर है भाई, देखिए कितना सुंदर है बाबूजी, ये मकान कितना अच्छा है बाबूजी। अरे वाह, शानू, तुम्हें सिर्फ थोड़े दिन यहां रहना होगा और फिर लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं बाबूजी इसमें घबराने की क्या बात है, रसीली इनके साथ रहेगी। हाँ हाँ। लेकिन रसिया, तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं बाबूजी, मेरा क्या, ये तो हमारी खुशकिस्मत है, बाबूजी दोनों चले गए। सोचो सोचो। आए गए मालिक, बहुत अच्छा भा, माता जी बहुत बीमार है। क्या? हाँ। तू आ गया मेरे लाल। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा। अरे, तुम्हें तो बुखार है, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, तू आ गया है, मैं दो दिन में ठीक हो जाऊंगी। शांति मिल गई? हाँ माँ। कहाँ है वो? वो मैं उसे एक दोस्त के यहाँ छोड़ आया।
अच्छा हुआ तू उसे घर नहीं लाया। अरे ऐसे थोड़े ही बहू घर में आएगी, मैं पहले तुझे दूल्हा बनाऊंगी, घोड़ी सजाऊंगी, फिर बारात निकलेगी। अब मैं कभी तेरी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मैं कैसे पता चला मैं आया? पता चल गया। खिड़की से झांका होगा? नहीं तो रसीली ने बताया होगा। रसीली ने नहीं बताया, खिड़की से नहीं झांका तो पता कैसे चला? आपके घर का ये गेट आने वाले का भेद खोल देता है। वो कैसे? बड़ी अजीब सी आवाज करता है ये। मैं तो ये समझा था कि इस घर में आके तुम कुछ जादू वादू सीख गई, तभी सब कुछ जान जाती। लीजिए चाय भी आ गई, मेम साहब मांगने का मौका तो दिया होता। होटल थोड़ा ही है जो ऑर्डर देना पड़े, अपना घर है। शानी, जिंदगी में ये अपनापन कितना अच्छा लगता है। शानू, मैं आज तुम्हें एक बात बताने आया था। मुझे मालूम है। तुम्हें हर बात कैसे मालूम हो जाती है? चेहरा देखकर। लेकिन ये बात तुम नहीं बता सकोगी। और जो बता दी तो? नहीं बताई तो रात को खाना खिला। हाँ। मंजूर। अच्छा बताओ, माँ जी से कुछ बात हुई थी ना? हाँ बात तो हुई थी, मगर क्या बात हुई थी वो बताओ। नहीं मालूम। हार गई ना? खाना पक्का? हाँ। चाय पीजिए ना। तुम पियो ना, मैं ये पीऊं। Thank you.
इस घर में? तू क्या समझी थी मैं मर गया हूं? छुट्टी हो गई तुझे, मैं तुझे जहन्नम से भी ढूंढ निकालूंगा। तो जन्म जन्म का साथ है, कोई नहीं छोड़ सकता। अपने खसम को जिंदा देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? मैंने तो दुख सुख में तेरे साथ देने का वचन दिया था, इसलिए तकलीफ में भी यहां चला। बड़ा आलीशान मकान है, किसी रईस का लगता है। तू यहां कैसे आई? सुना नहीं? मैं पूछता हूं, तू यहां कैसे आई? किसका मकान है ये? कौन है वो जवाब क्यों नहीं देती? खामोश रहेगी? तुझे मालूम है ना कि पुलिस मुझे क्यों पकड़ना चाहती है? इसलिए कि मैंने उस बेवफा गजरा के दो टुकड़े कर दिए थे। क्या तू भी मेरे साथ बेवफाई करेगी? पर किस नहीं, इससे पहले कि मैं तुझे किसी दूसरे आदमी के साथ देखूं, मैं तेरा गला खोदूंगा। क्या हुआ तुम? यूं ही चक्कर सा आ गया था। बैठ जाओ। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी। फिर अंदर जाकर लेट जाओ। चलो शाबाश। तबीयत अच्छी नहीं है, आज रात में यहीं रह जाता। नहीं नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। माँ जी आपका इंतजार कर रही होंगे, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, जाओ आराम करो। शंकर, बुरी खबर है। पुलिस किसी वक्त भी यहां रेड कर सकती है। तुम चले जाओ शंकर, कहीं हम लोग भी तुम्हारे साथ फंस न जाए। अरे आर्या, ये औलाद दोस्त के लिए जान देने वाली है, लेने वाली नहीं। इससे पहले कि तुझ पे कुछ आफत आए, मैं कूच कर जाऊंगा। लेकिन जाओगे कहाँ? अरे इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं चला जाऊंगा। बीवी के पास चला जाऊंगा। बीवी के पास? जो है, तुझे क्या हो गया है? मैं गला फाड़ कर हंसने की क्या बात है? तुम वहां छिपने जा रहे हो या अपने को पुलिस के हवाले करने? क्या मतलब? शंकर, तुम्हारे बीवी का मकान इंस्पेक्टर मनोज के दिन रात काटता है, उसी ने तुम्हारी बीवी को मकान दिया है। हरिया!
जानता ऐसी बातों से मेरा खून खौलने लगता है। शानू, तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक हूँ। शानू, मेरी माँ भी अजीब है। जब किसी पे गुस्सा करती है ना तो सारी दुनिया का प्यार भूल जाती है, और जब प्यार करती है तो सारा गुस्सा भूल जाती है। अब देखो ना, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। आज सुबह से मेरे पीछे पड़ी थी, कह रही थी शाम तक मेरी बहू के लिए साड़ियां और जेवर नहीं लाए तो घर में नहीं घुसने दूंगी, खाना नहीं, बस अजीब अजीब बातें करती। शानू, जानती हो और क्या कह रही थी? कह रही थी मेरी बहू लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगी। अजी, हम भी तो देखें हमारी दुल्हन लाल साड़ी में कैसी लगती है। सच शानू, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे नाराज हो ना, इसलिए भी देर से आया हूँ। शानू, तुम तो जानते हो मैं पुलिस में काम करता हूँ, किसी वक्त भी कहीं भी जाना पड़ता है। और फिर आज तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक कातिल जो कानून की नजरों में मर चुका था, पता चला है कि मरा नहीं था, जिंदा है। शानू, क्या हुआ? शानू, तुम खामोश क्यों? कुछ बोलो ना शानू। मनोज, वो लौट आए, वो जिंदा है। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन लौट आए हैं, कौन जिंदा है? मेरे पति। क्या? मैं नहीं जानती थी, सच मैं नहीं जानती थी। किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला। क्या जिंदगी इस तरह ख्वाब बन सकती है? नहीं शान, बल्कि ख्वाब जिंदगी नहीं बनते। पुलिस को धोखा दे लिया शंकर, भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इनकार किसे है, लेकिन एक काम अधूरा रह गया। कोई और खून करना चाहते हो? मैं नहीं, मेरा यार प्यासा है। शंकर, तुम्हारे छुरे को शायद किसी के खून की इतनी प्यास नहीं जितनी कानून तुम्हारे खून की प्यास है। कानून? कानून की आड़ में गुनाह करने वालों के लिए कोई कानून नहीं। बड़ा तंग दिल है आपका कानून। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं शंकर, उनकी गिरफ्त से कोई गुनहगार बच के नहीं जा सकता। कानून की गिरफ्त में आने से पहले मैं कानून के हाथ का शंकर दूसरा। चार।
क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं तो वहीं से आपके साथ चल पड़ता, मगर सिर्फ इसलिए यहां लेकर आया हूं कि यह औरत भी अपनी आंखों से यह तमाशा देख ले कि इसके चाहने वाला इसके सुहाग पर किस तरह डाका डालता है। शंकर मेरे साथ चलो। अच्छा आपने मुझ पे बहुत से एहसान किए हैं, ये आखिरी एहसान और कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। शांति देवी, अगर मेरी और इनकी कोई जाती दुश्मनी होती तो मैं जरूर छोड़ देता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कानून के दुश्मन को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। मुझे अफसोस है। चलो शंकर। तुम्हारी सिफारिश भी काम नहीं आई। चलिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप जिंदगी तो दे नहीं सकते, एक 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए, मुझे अपनी बीवी से कुछ बातें करनी है। ये आखिरी मुलाकात है हमारी, 5 मिनट। घबराइए नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम शंकर है, मैं भागूंगा नहीं। अगर मुझे भागना होता ना तो वहीं से भाग जाता, आपको यहां लेकर नहीं आता। सिर्फ 5 मिनट। पुलिस स्टेशन खूनी होते हुए थे, तेरी खातिर शहर में वापस आया था, तो ये जानते हुए कि पकड़ा जाऊंगा और पकड़े जाने के बाद फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। अरे तेरी सूरत देखने के लिए मैं तो मौत को भी भूल गया था, पर तूने ये बेवफाई की मेरे साथ। शंकर, जब थोड़ी सी बेवफाई पर पैरों को मौत के खाट उतार सकता है तो अपने को वो सजा देगा तो सारी दुनिया सुनकर थर्रा उठेगी। अब मैं तुझे इस तरह जलाऊंगा जिस तरह मैं जल रहा, ताकि तुझे मालूम हो कि जलन क्या चीज है। तू क्या समझती है कि तेरा चाहने वाला बच जाएगा? इसके पास सिर्फ एक गोली है, वो किसी तरह चल जाए। आशिक है ना, तुझे जलता देखकर जरूर आएगा, फिर देख मैं उसे कैसे संभालता हूं। जहां जल रही होगी वो वहां तड़प रहा होगा, फिर मुझे क्या फिक्र, मैं हंस के फांसी बचा जाऊंगा। किसी का भरोसा नहीं करता, वो मुझे देख रहा है। जो जो मेरा हाथ पड़ेगा साथ साथ उसकी पिस्तौल भी उठेगी। इंतजार की भी हद होती है, अब उससे बर्दाश्त। 5 मिनट खत्म हो गए शंकर। इंस्पेक्टर, तुम्हारी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं।
शाम के बाद सुबह आती है बेटी, तुम इसे भी कबूल करने से घबरा रही हो? सच बात तो यह है, जब होने को यही मंजूर था फिर भला तुम दोनों का क्या दोष? अब बेटी मेरे मनु की खुशी भी तुम्हारे ही हाथों में है। देखो ना, बिल्कुल पगला है, कब से बाहर ही खड़ा है, तुम्हारे सामने आने में भी उसे डर लग रहा है। जाने कहाँ तुम